दोस्तों, एक होती है मान्यताएं, परंपराएं, जिनको हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक होता है अंधविश्वास, जिसका न कोई लॉजिक है, न कोई अगला पिछाड़ा पता है और ना उसका कोई औचित्य है। ऊपर से नीम हकीम खतराए जान वाली बात अगर हो जाए तो फिर ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं या मान्यताएं, जो भी आप कहें, बंद कर देने में ही भलाई है। ये मैं अपने आदिवासी भाई बहनों की को ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि वो भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि ये जो घटना है ना, वो सत्य है, दमों की है, कि कैसे एक महिला की जान पर बनाती है अंधविश्वास के चलते और कैसे उसे बचाया गया। तो जो भी मुझे इस वक्त देख सुन रहा है, इस बात को अच्छे से गांठ बांध ले कि अंधविश्वास में पड़कर अपनी और परिजनों की जान खतरे में हरगिज नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, हुआ ये कि दमोह में बेटी की चाह में एक परिवार बंदेज नामक अंधविश्वास में उलझ गया। बेटा चाहते थे तो ऐसे में वो ओझा यानी एक बाबा के चक्कर में पड़ गए। बाबा ने बंदेज करते हुए महिला से कहा कि अब सबसे दूरी बना लो, यदि किसी बाहरी ने तुम्हें छुआ तो तुम्हें कभी बेटा नहीं होगा। ओझा की बात मानकर महिला ने खुद को सबसे दूर कर लिया। वह रोजमर्रा के अपने काम तो करती थी, लेकिन न किसी से मिलती, न ही कोई उसे छू सकता था। समय पर इलाज नहीं मिल पाने से उसका हीमोग्लोबिन गिरकर 3.6 ग्राम पर आ गया था। सीवियर एनीमिया की वो शिकार हो गई। एनीमिया यानी शरीर में आयरन की कमी। कृपाल आदिवासी अपने पत्नी कमलेश रानी आदिवासी के साथ अमझेर गाँव में रहता है और इसके पहले पत्नी 6 बार गर्भवती हुई। उसकी 4 बेटियां जीवित है, एक की मौत हो गई जबकि एक का अबॉर्शन हो गया। अब जिसका अबॉर्शन हुआ था वो भी बेटी ही थी, यानी 6 बेटियों के बाद पत्नी 7वीं बार गर्भवती हुई तो दोनों को फिर से बेटे की चाह जगी। वे ओझा के पास चले गए। ओझा ने बंदेज किया और कहा कि अब तुम्हें बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म करना होगा, यानी सबसे दूरी बनानी होगी। महिला ने उसकी बात मान ली और वैसा ही किया। इस बंदेज के कारण उसने अपने साथ बच्चे की जान को भी खतरे में डाल दिया। 21 तारीख को मर्यादों में सेक्टर समिति की एक बैठक थी। मीटिंग में कुंझा CHO ने बताया कि अमझेर गांव की रहने वाली कमलेश रानी आदिवासी प्रेग्नेंट है और उसका 9वां महीना चल रहा है। वो 7वीं बार प्रेग्नेंट है। महिला हाई रिस्क पर है और उसे सीवियर एनीमिया है। हालत बहुत खराब है और इस घटना को गंभीरता से लिया गया। अगले दिन सोमवार को सिविल अस्पताल से PCM देवेंद्र सिंह और अंतरा फाउंडेशन से धीरेंद्र को भेजा गया। उन्हें कहा गया कि आप गांव जाकर महिला को किसी भी तरह से सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल में भर्ती करवाइए। टीम गांव पहुंचती है और महिला और उसके पति की काउंसलिंग करती है। पहले तो महिला ने अस्पताल में भर्ती होने से साफ मना कर दिया, लेकिन समझाइश की गई और दोनों को जान का खतरा बताया तो वो तैयार हो गए। टीम उसे लेकर जैसे तैसे जिला अस्पताल पहुंची। सबसे पहले उसे ब्लड चढ़ाया गया, खून चढ़ाया गया। अगले दिन उसने बेटे को जन्म दिया जिसका वजन 3 किलोग्राम था। आशा सुपरवाइजर मनीषा बताती हैं कि गांव वाले आज भी रूढ़िवादी प्रथा को बहुत मानते हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बंदेज प्रथा के कारण कई बार बहुत समस्याएं आती हैं। कमलेश रानी पति कृपाल आदिवासी भी इनमें से एक है। वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे स्वास्थ्य केंद्र आकर जाँच करवाने और दवाई लेने को कहा गया। महिला का हेमोग्लोबिन पहले से ही कम था, वो एनीमिया से पीड़ित थी। जब घर जाते तो महिला और परिजन कहते कि हमने बंदेज करवाया है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप बार बार घर आकर हमें परेशान मत करिए। अब महिला का कहना था कि यदि वह सेंटर गई और किसी ने छू लिया तो फिर से लड़की हो जाएगी। मुझे इस बार लड़की नहीं, लड़का चाहिए। मेरा बंदेज है, मैं किसी से नहीं मिलूंगी, कोई मुझे नहीं छूए। पति ने भी यही दोहराया कि हमारे ठाकुर बाबा ने बंदेज किया है, हम अब आपके साथ अस्पताल नहीं जा सकते, हमें स्वास्थ्य विभाग से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए, न तो दवाई चाहिए, न बोतल लगवानी है, प्रसव के लिए भी अस्पताल नहीं जाएंगे। अब आशा ने बताया कि हमने टीम से संपर्क किया, मीटिंग में BMO सर को इसकी जानकारी दी। टीम काउंसलिंग करने पहुंची तो पति कहने लगा कि पैसे हैं नहीं मेरे पास। टीम ने कहा कि चलो, 1 रुपया भी नहीं लगेगा तुम्हारा, अस्पताल में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, खर्च भी हम उठाएंगे, बस तुम पत्नी का अच्छे से इलाज करवा लो। बहुत मनाने के बाद उसने जाकर हामी भरी। टीम महिला को लेकर दमोह जिला अस्पताल पहुंची। बेटा होने के बाद पति ने अब कहा टीम से कि आपकी वजह से हमारा बस अच्छा हो गया, बेकार ही अंधविश्वास में पड़े हुए थे, आगे से दूसरों को भी बंदेज से दूर रहने को कहेंगे।
यहाँ डॉक्टर गीतांजलि बताती हैं कि महिला 22 जुलाई की शाम करीब 6 बजे अस्पताल आई थी। सीवियर एनिमिक थी, हाई रिस्क पेशेंट थी। उसके साथ कोई भी महिला अटेंडर तक नहीं थी। हालत बहुत ख़राब थी। सिविल सर्जन राकेश राय से संपर्क किया गया। उन्होंने ब्लड अरेंज करवाया और ब्लड चढ़ाने के बाद अगले दिन उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई और इसके बाद उसे और ब्लड चढ़ाया गया। जब उसकी कंडीशन नॉर्मल हुई, इसके बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। सीबीएमओ कहते हैं कि मड़ियादो के आसपास के कई आदिवासी बाहुल्य गांव में इस तरह का अंधविश्वास फैला हुआ है, जिसे खत्म करना बहुत आवश्यक है। एक टीम बनाएंगे और ग्रामीणों की काउंसलिंग करेंगे। उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि अंधविश्वास से बेटा बेटी पैदा नहीं होते। तो देखा आपने अंधविश्वास के फेर में कैसे माँ और बेटा दोनों की जान को खतरा था। सही समय पर उचित इलाज मिलने से दोनों को जीवन दान मिल गया। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। उसको लेबर पेन्स हो रहे थे और वो बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस था, क्योंकि वो सीवियरली एनीमिक थी और विथ 7th ग्रेविटी, मतलब उसका वो 7वीं बार गर्भवती थी।